ये हॉल तो पूरा फुल हो गया है अभी तो, और सामान बाकी है। इसके मुंह पे 2020 का सामान है, देखो अभी तक खुला ही नहीं। देखो भैया कभी बुलाऊंगी आपको, आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। दीदी ने जो मिर्ची दिया है, वाह दीदी। वेलकम टू न्यू होम, वेलकम। हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉ एंड रियल एस्क्वायर। सो गाइस, आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं इस घर से एक नए घर पे, और वो बहुत ही सुंदर सा घर है। कल से परसों से हम लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर ही दिया था, लेकिन फाइनल आज जो हमारा पैकर्स एंड मूवर्स है वो ट्रक आ चुका है। अभी वो लोग आ जाएंगे और एक घंटे में हमारा शिफ्टिंग हो जाएगा इस घर से नए घर तक। और ये बाबू फिर भी घर को साफ कर रहा है क्योंकि खुद के घर जैसा ही है। और पॉम्पी हमारे लिए ऑमलेट बना रही है, लास्ट टाइम कुछ बना रही हुई है, 6 अंडे का ऑमलेट, ताकि ये सब हम खा के हमें शक्ति मिल जाए और उसके बाद हम अच्छे से शिफ्ट कर पाए। दिया दिया जल्दी जल्दी। चलो गाइस, हो गया 6 अंडे का ऑमलेट। देखो ये हमारा रूम है, काफी साफ है, काफी साफ है। बस पॉम्पी का जो रूम है वही बहुत खराब है, वही सबसे ज्यादा ये हॉल हॉल और पॉम्पी ने खराब किया है। सारा जो सामान आपने थैंक यू देख रहे हो, जो बिखरा पड़ा है वो पॉम्पी का ही है। इतना अच्छा तारीफ करने के लिए हमारा सामान हम लोग ऑलरेडी इसमें रख चुके हैं, बाकी सब पॉम्पी का सामान। इम्पोर्टेंट जो सामान है वो डाल रहे हैं हम लोग, ताकि कल शिफ्टिंग में बिल्कुल दिमाग खराब ना हो। म्यूजिक का सामान गाड़ी में तो इतना सारा जाएगा कि मुझे डाउट है। बैठा है सु मैं एकदम बेरखा हूं। लड़कियां ना बिना मेकअप के चेहरे भी नहीं दिखा सकती। देखो कॉम्बी एग्जांपल, मैं बिना मेकअप के भी सुंदर, मेकअप करके भी नहीं। केयरलेस वस्तु है केने को मानु होबो लेबो। तुम्ही गाड़ी थबो आही वस्तु गाड़ी से भी ना आना। सब पूरा कीमती सामान है। ये खोलो ना, ये थोड़ा ये सब सामान ना टूट सकता है आराम से। ऐसे शुरू हो गया हमारा। हाँ ओ लिखी भरा लिखी मेरे को। ये सब कीमती सामान ऐसे पैक कर रहे ताकि दाग बाग ना लगे। मम्मी वीडियो कॉल में इंक्वायरी कर रही है कि कैसे सामान डाल रहे हैं। हाँ, मैंने किया को बात जुआने की। ओह नो व्हाट इज आईना वाइना ऐसे कंबल जैसा है ना ये। ये मिरर भी लग हुआ है यार, मिरर तो है छान ले लिया है की है। কিন্তু মই কওঁ না, তুমিহে আজি কৰিম কালি কৰিম থাকা, ইয়াততো কৰে। আৰু ইয়েহে গাইজ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট সামান যো কি চোফা, ইসক অচ্ছে সে পেক কৰে। और गाइस ये पॉम्पी के रूम का सामान देखो कितना है, क्या क्या रखती है हमें भी नहीं पता है। और मालिक भी नहीं है आज घर में, मालिक गोवा में। मालिक देखो हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हो, पॉम्पी को देखो हुकूमत चला रही है। ये लो, ये 2020 का सामान है, देखो अभी तक पैकिंग नहीं आई। ऐसे वैसे खरीदती है लड़कियाँ, यूज़ नहीं करती है। फेंक दो इसके मुंह पे फेंको, इसके मुंह पे फेंको। 2020 का सामान है, देखो अभी तक खुला ही नहीं। देखो भैया 2020 में खरीदा था, अभी तक पैकिंग में है। गाइस मेरा ये रूम हो गया खाली। और लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एसी लगाया था ना, तब एसी लगाने वाले जो बंदे आए थे उन्होंने बिना सेफ्टी बेल्ट के ये बाहर डाल लिया। फिर क्या हो गया, यहाँ सोसाइटी में हो गया तमाशा कि ऐसे बिना सेफ्टी बेल्ट के यहाँ एसी वीसी लगा रहे। इसीलिए मैंने इस बार बोला कि भैया सेफ्टी बेल्ट वेफ्टी बेल्ट लेके आओ अच्छे से, ताकि इसको अच्छे से लेके जाओ। और रिस्क भी है भाई, यहाँ से कोई गिर गया तो कैसे बचेगा। एनीवे वी विल मिस दिस एरिया। वो है हमारा स्विमिंग पूल,
वो वहाँ पे हम लोग खेलते वेलते थे, वीडियोस बनाते थे, तो वी विल डेफिनेटली मिस दिस एरिया। और यहाँ पे बहुत शांति है गाइज, आप लोगों ने फील किया होगा कि हमारे वीडियोस में बिल्कुल नॉइज़ नहीं आते थे ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अभी क्योंकि विंडोज़ वगैरह हम लोगों ने खोल लिया तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली मुंबई में यहाँ पे शोर बिल्कुल ही कम है। और ये एसी वाले भैया कहाँ लगाए सेफ्टी बेल्ट? सेफ्टी बेल्ट लगाए से कुछ है, जहाँ पे लगाए सेफ्टी बेल्ट वही है नहीं सेफ्टी, जहाँ सेफ्टी बेल्ट लगाए वही सेफ है नहीं, ऐसे बस नाम के लिए लगाए। चलो अगर ये भाई खुल जाए नहीं इधर उधर खुलेगा नहीं, कैसे आएगा ऊपर से? अब जहाँ पर ये सेफ्टी बेल्ट लगाया है सेफ्टी नहीं है, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से पैक कर देना भैया, ये दीदी ने हमारे लिए बना के लाया है चिकन, थैंक यू दीदी। बस ये चावल का इन्होंने पैक कर दिया, अभी कहाँ है चावल ढूंढते रहेंगे। ये देखो पोम्पी कैसे शिफ्ट करी है सामान, कितनी मेहनत करी है ना ये भैया, सब सामान इसने डाला, बाप रे सबसे ज़्यादा मेहनत पॉम्पी ने की, देखो वाह सबसे ज़्यादा मेहनत। हो गया सब कुछ खाली, बस ये लाइटें वाइटें जो है ना ये भी हमारा है, तो लाइट भी खोल के लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे यूज़ कर पाए, वहाँ पे लाइट्स है ऑलरेडी लेकिन फिर भी हम लोग लाइट्स लेके जा रहे हैं ताकि कुछ काम आ जाए। हो गया गाइस ये हमारा हॉल जो कि काफ़ी बड़ा है, ये भी खाली हो गया। वी विल डेफिनेटली मिस दिस व्यू दिस प्लेस, काफ़ी वक्त बिताया हमने यहाँ पे, एक्चुअली मैंने ज़्यादा बिताया नहीं, एक साल तो मैं आसाम में था तो मैंने लगभग एक साल बिताया यहाँ पे, तो हाँ इतना भी मिस नहीं करूँगा बट यस। लास्ट हमारा बाकी ये स्टोव, गैस स्टोव और ये एक्वा गार्ड, और यहाँ पे अलमीरा बाकी है, एक हो ही गया ना खाली, चेयर बाकी है, हाँ बाकी ऑलमोस्ट डन। इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है गाइस, एनीवे अभी ट्रक में अच्छे से लोड कर रहे हैं हम लोग सामान, बाकी शिफ्टिंग विफ्टिंग ऑल डन, अभी दूसरे घर में शिफ्ट करना है, भूख भी लगी है सबको, तो मैंने इन सबको गाली वाली दिया थोड़ा, तो वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बुरा भी लग रहा है, मैंने बोला आप लोग इसके बाद खा लेना, तब तक हम भी कहीं पर खा लेंगे और वहाँ पर आराम से शिफ्ट करेंगे। एनीवे बहुत स्मूथली हो गया, पहले से तो काफ़ी स्मूथली हुआ क्योंकि इस घर में जब मैंने शिफ्ट किया था तब मैं अकेले था अपने दोस्त के साथ, इस बार बाबू भी या बॉम्बी भी है तो बहुत हेल्प हो गया, मतलब एक एक रूम देखने का कहाँ कहाँ क्या चीज़ें डाल रहे वो लोग। तो मैं ले ली थी उसने लेके आया था, तो अभी खाऊंगी। क्या है ये सब? हाँ। तो गाइस ये हमारी जो दीदी है उन्होंने हमें आज लास्ट खिलाया है क्योंकि हम बना नहीं पाएंगे गैस वैस कुछ है, तो ये दीदी क्या दीदी ने कब का दे दिया था लेकिन हमें पता नहीं था कि रोटी है, एक थप्पड़ मारी, अभी पोम्पी ने बताया कि रोटी है, छह रोटी, अभी नहीं पता चला, अभी चावल भी है तब से खा सकते हैं हम, अब बाप कैसे मांगो खाके बसी है। हां दीदी ने जो मिर्ची दिया है, वाह दीदी भूख से खा सकते हैं, कोई इतना भूखे में रहने से इतना मिर्ची खा सकता है लोग, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर बहुत भूख लग रही थी इसलिए खा रही हूँ मैं, ये तो कोई उपाय नहीं है। कान से धुआं निकल गया, धुआं भी जल गया गाइस, महाराष्ट्र चिकन इसलिए। गाइस हम लोग निकल गए गाड़ी में, गाड़ी में भी सामान देखो, मैं जैसे तैसे बैठी हुई हूँ, इतना सारा सामान लेके पता नहीं कैसे हम लोग घर में रह रहे हैं। इसको दिखाओ, एक दो साल में हमने इतना सामान ले लिया गाइस कि अभी रियलाइज हो रहा है कि नहीं खरीदेंगी। अच्छा मैं तो बस एक सुला लूंगी। अच्छा अच्छा पोम्पी तो कुछ नहीं खरीदेगी, बस एक सुला खरीदेगी, सुला मतलब वो स्टोव जहाँ पे खाना वाना बनाती है ना वो, और बस मैं एसी भी तुम्हारे एसी एक पोम्पी ने बताया था लास्ट टाइम कि जब हम लोग नए घर में जाएंगे तो वो एसी वो लगाएंगे,
तो एसी तो वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ये ऊपर वाले ने दया किया। दया नहीं, अभी तुम कुछ का भाड़ा पंपी ने देगा। हाँ, एसी का भाड़ा जो होगा वो पंपी देगी। बिल, वो भी बिल जो करके मैनेज हो जाएगा। मैनेज नहीं होगा, वो तुम्हारे ऊपर जाएगा। मैनेज हम नहीं करेंगे, वो तुमको दे देंगे, तुम देख लेना उसका। सौरभ दा एकदम बी एक्साइटेड नতুন ঘৰত যাব কাৰণে। ও মই তো এক্সাইটেড ভাই। একদম মুৰ ভাল দুখ লাগিছে, বাৰো দুখ লাগিছে। কিন্তু সৌৰভ দাৰ বহুত ভাল লাগিছে নতুন ঘৰত যাব কাৰণে। পুৰা লাগা কি ইজ কৈছে যা ৰে নে ঘৰ মে, লেকিন মুজে মজা আ ৰে। বাহ ফাইনালি নে। পতা নাই তুমকো কিউ মজা আ ৰে। মজা আ ৰে। আম লোগো তো বুৰা লাগ ৰা হে। মুজে বুৰা বিলকুল নাই লাগ ৰা। আই এম হ্যাপি। আ। গাইস পহুঁচ গে হম লোগ বিল্ডিং। ইয়ে হে হামারা ফ্ল্যাট জো কি পিছে ওয়ালা পার্ট হে ইয়ে। और अभी क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे कि बड़ी गाड़ी को यहाँ अंदर जाने नहीं देते, तो बोलते हैं ना कि पैसा जब खर्चा होता है तो खर्चा एक के बाद एक निकलता ही रहता है, तो मेरा भी हमारा भी वैसा ही सेम हो रहा है। तो हम लोगों ने बड़ी गाड़ी बुक किया था, अभी बड़ी गाड़ी से हम लोग छोटी गाड़ी में ट्रांसफ़र करें चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ी अंदर अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ी गाड़ी जाएगी ना तो ये ऊपर लग जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो फिर बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में हमने बुक किया, अभी छोटी गाड़ी अंदर जाएगी, सामान रखेंगी, फिर आ जाएगी। तो ये अलग डबल डबल काम हो रहा है हमारा। सो ये सब किचन का सामान है, यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर से वीडियो भी बनाना पड़ता है ना, इसलिए। क्या बोल रहे हो आप? ये बेडरूम में रख दीजिए, बेड है ना ये वाला ना, ये बीच में। इन लोगों को कहाँ क्या सामान रखने, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार रख के जाने के बाद ये लोग और नहीं मतलब टच करेगा लोग, मतलब सामान पे ये ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया लोग को मतलब पानी पीना है उन लोगों को, बट ये समझ में नहीं आ रहा है पानी कैसे निकालते है। अभी निकाला। हाँ निकल गया, निकल गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये एक ही बटन है, उसको दबाओ। ये हॉल तो पूरा फुल हो गया है अभी, तो और सामान बाकी है लाने के लिए। कुछ बोलना है? बोलना है कुछ नहीं बोलना है। सच में बहुत थक गई, इतना थक गई ना क्या बोलूँगी आप लोगों को। अभी तो आधा हो गया है, बस इतना सारा बाकी है, और ये कार्टन में जितना सारा सामान है ना वो के बाद अभी आए हम लोग खाने के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे स्टोव कुछ भी नहीं लगा है। तो पास में एक वेज रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी पसंद है मुझे, तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे अभी पनीर वनीर, फिर खा के आराम से आज सो जाएंगे, कल से अच्छे से रूम वूम साफ वाफ करेंगे। इस लास्ट काम करने आए हम लोग, जो हमारा पहला वाला बिल्डिंग था वहाँ पे जो जितना बिल हुआ था हमारा, वो बिल क्लियर करना है, मतलब 10 दिन का जो पेमेंट है वो क्लियर करना है। और ये हम लोग नया घर के लिए नया चूल्हा ले लिया, गैस स्टोव ले रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और मेरे चैनल पे बोला भी था कि मैं नया घर लेने से नया सब कुछ लूँगी, इसलिए मैं ले लिया। मैंने नहीं लिया क्योंकि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बस नया घर नया चूल्हा। हम लोगों का अभी क्या है ना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइस हो मतलब जितना सब्जी हो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग अभी ये घर के पास ही एक मतलब मॉल है, ये मॉल का नाम है मेट्रो, जो कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब घर के सामान जितना भी चाहिए ना सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो नाम लिखना पड़ेगा, किसका नाम लिखेगा? आपन का है, ऊपर ना लगे तोला तेरे हाथ। हाँ बीच में पॉम्पी नहीं आएगा। न्यू होम वेलकम स्वागतम सुंदरम।